जय भीम दोस्तों, संजवार जी नाम है मेरा और मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं जय भीम शब्द के बारे में, क्योंकि आज जो बहुजन युवा का सबसे बड़ा स्वाभिमान का प्रतीक जो शब्द बन गया है वो है जय भीम। लेकिन दोस्तों कभी आपने सोचा है कि ये शब्द कहाँ से आया, पहली बार किसने इसको प्रयोग किया और इसके पीछे क्या कहानी थी, उसी विषय में मैं ये वीडियो आप सबके समक्ष लेकर आया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। और आप मेरे साथ इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय भीम आज बहुजन अस्मिता और एकता का प्रतीक बन चुका है। हर बहुजन युवा उत्साह में जय भीम के साथ एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। जय भीम शब्द की उत्पत्ति महाराष्ट्र में हुई थी। इस जय भीम शब्द के जनक बाबू हरदास LN थे, जो 1921 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ सामाजिक आंदोलन में उतरे। बाबू हरदास का परिवार पढ़ा लिखा था। पिता लक्ष्मण उर्कुड़ा नागराले रेलवे विभाग में बाबू थे। उस समय देश में वर्ण भेद और जाति भेद के कारण भीषण सामाजिक और आर्थिक विषमता फैली हुई थी। सन 1922 में महाराष्ट्र के अछूत संत चोखा मेला के नाम पर उन्होंने एक छात्रावास शुरू किया। 1924 में उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस खरीद ली और सामाजिक जागृति के लिए मंडई महात्म्य नामक किताब सामाजिक जागृति के लिए लिखी थी। साथ में चोखा मेला विशेषांक भी निकाला था। बाबा साहब के आंदोलनों में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1930 के नासिक कालाराम मंदिर सत्याग्रह तथा 1932 में पूना पैक्ट के दौरान उन्होंने बाबा साहब के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जय भीम का संबोधन पहली बार उनके मन में एक मुस्लिम व्यक्ति को देखकर आया। उस समय कार्यकर्ताओं के साथ घूमते हुए रास्ते में एक मुस्लिम को दूसरे मुस्लिम से अस्सलाम वालेकुम कहते हुए सुना। जवाब में दूसरे व्यक्ति ने वालेकुम अस्सलाम कहा। तब बाबू हरदास ने सोचा कि हम एक दूसरे को क्या कहकर संबोधित करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि मैं जय भीम कहूँगा और आप बल भीम कहिए। उस समय से यह अभिवादन शुरू हो गया। बाद में बल भीम प्रचलन से गायब हो गया, केवल जय भीम ही प्रचलन में रहा। 1933 के आसपास बाबू हरदास ने समता सैनिक दल को जय भीम का नारा नागपुर में दिया था। इस तरह जय भीम हर जगह छा गया। 12 जनवरी 1939 को उनका महापरिनिर्वाण हो गया। उस दिन उनको श्रद्धांजलि देते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि बाबू हरदास के रूप में मेरा दाहिना हाथ चला गया है। दोस्तों तो कैसी लगी आप सबको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सोशल मीडिया के तमाम ग्रुप्स में अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय भीम।